अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। और आज मैं बनाना सिखा रही हूँ आप लोगों को बिल्कुल 5 मिनट्स में झटपट ब्रेकफास्ट एग की रेसिपी। तो देखते हैं कि ये मैं कैसे बना रही हूँ, ये बहुत क्विक और बहुत यमी बन जाती है। चले आए इसकी रेसिपी हम देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने लिया है ये तकरीबन कोई 1.5 टेबल स्पून ऑयल। आप ऑयल कम भी कर सकते हैं। और अब इसमें मैं डाल रही हूँ एक हाफ मैंने अनियन ले ली थी, थोड़ी सी प्याज। आप मैं वैसे एक अंडे का बना रही हूँ, आप 2 या 3 अंडों का भी बना सकते हैं। तो मैंने प्याज 1 अंडे के हिसाब से ली है, ठीक है। इस प्याज को आपने थोड़ा सा हल्का हल्का सा फ्राई करना है। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक, लहसुन, हरी मिर्च थोड़ा थोड़ा, ठीक है। इसको मैंने पिसा हुआ नहीं, थोड़ा थोड़ा कुटा हुआ डाल रही हूँ। और अब हम इसको प्याज के साथ इसको भी जो है ऑयल में हल्का हल्का सा फ्राई कर रहे हैं। इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी मज़े की खुशबू भी आ रही है। और अब हम इसमें थोड़े से मसाले डालेंगे। ये मैंने कुटी हुई जो है लाल मिर्च डाली है, पिंच डाली है, बहुत ज़्यादा नहीं डालनी है, थोड़ी थोड़ी डालनी है। और साथ ही मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी, वो भी मैंने बहुत थोड़ी सी डाली है, चुटकी और उससे थोड़ी सी ज़्यादा। और मैं अब साथ में इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और अब मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ी सी मैंने ज़्यादा की है ताकि थोड़ा स्पाइसी सा हो जाए। आप मसाले अपने हिसाब से कर सकते हैं। और अब देखें, इसको मैंने अच्छी तरह से जो है ये पक रहा है, इसको फ्राई कर रही हूँ। और साथ ही अब मैंने इसमें एक अंडा तोड़ के डाल दिया है। ये देखें आप इस तरीके से, आप देखें कितना ब्यूटीफुल इसका एक कलर सा आ रहा है, कितने डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं। और अब हम इसको इसी तरीके से इसको पकाएंगे, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से अब हम इसको पकाते रहेंगे। और साथ ही अब मैं इसके ऊपर भी कुछ स्पाइस ऐड करूँगी। अगर आप बहुत स्पाइसी नहीं खाते हैं तो अभी ऊपर से आपने बहुत ज़्यादा ऐड नहीं करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ ये कुटी हुई लाल मिर्च, बिल्कुल हल्की हल्की सी स्प्रिंकल करनी है, आपने ज़्यादा नहीं करना है वरना बहुत स्पाइसी हो जाएगा, ठीक है। और हल्का सा नमक, आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी काली मिर्च भी आप ऐड कर सकते हैं, बिल्कुल थोड़ी सी। इसमें मैंने ये लाल मिर्च भी थोड़ी सी ऐड कर दी, थोड़ा स्पाइसी सा मैं बना रही हूँ, ठीक है। और साथ ही इसमें मैंने ऊपर से एक हरा धनिया डाल दिया है, ठीक है, इसको गार्निश करने के लिए। और अब हम इसको जो है थोड़ी देर, बिल्कुल 1 मिनट के लिए मैं ढक के रख दूंगी और इसको पकने के लिए छोड़ दूंगी। ये देखें नाज़रीन, ये ज़बरदस्त सा हमारा झटपट एग बिल्कुल रेडी है। ये बहुत ही यमी लगता है, बहुत मज़े का लगता है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें इसकी फाइनल शक्ल, इसको मैं जो है आप टोस्ट कर सकते हैं। ये मैंने ब्रेड के स्लाइस ले लिए थे और अब मैं इसको करूँगी इंजॉय। ये ब्रेकफास्ट में बड़ा कुछ डिफरेंट सा हो जाता है। फ्राइड एग तो हम खाते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा, आप इंजॉय करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।